गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो अब इस लेक्चर में ये जानने का समय है कि कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल और कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, तो बिना किसी भूमिका के आगे चलते हैं अपन। एक्चुअली हम यहां मानते हैं कि कोई फंक्शन है जो कि जेड का फंक्शन है और उसको हम फाई विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा साई विच इज ऑल्सो फंक्शन एक्स वाई इस रूप में हम उसको लिखते हैं। तो ऐसे में ये जो फंक्शन है ये जो हमारा फंक्शन है कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है ये फंक्शन एनालिटिक कहलाएगा। हमने पूरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ी है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो ये जो फंक्शन है फंक्शन ऑफ जेड विच इज इक्वल टू फाई एक्स वाई प्लस आयोटा साई एक्स वाई इट इज सेट टू बी एनालिटिक इफ फाई एंड साई सेटिस्फाई कॉशी रीमैन इक्वेशंस। ये बिल्कुल क्लियर कट हमें ये चीज पता है और कॉशी रीमैन इक्वेशंस क्या होती है ये भी हमें पता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस मामले में। तो देर इज सम प्रॉब्लम विद द पेन आई थिंक। यस ओके इट्स ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवे नाउ हम इस जो ये जो फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन को हम पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू दी एक्स और फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू दी वाई और फिर हम देखते हैं क्या आता है। पहली बात, मैंने इसको विद रेस्पेक्ट टू दी एक्स डिफरेंशिएट किया और मेरे पास आया डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस आयोटा डेल साई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस आयोटा वाई। जेड को मैंने एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा है और कोई बात नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने जब इसको वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास आया डेल फाई बाय डेल वाई प्लस आयोटा डेल साई बाय डेल वाई इज इक्वल टू आई। यहां पर आई क्यों आया, क्योंकि जब मैंने एफ को डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू दी वाई तो पहले मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू दी जेड और फिर जेड को डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू दी वाई। तो वाई चूंकि वाई जो है वो उसके आगे आयोटा है वो एक इमेजिनरी पार्ट का हिस्सा है इसलिए ये आई बाद में आया है। ठीक है, नाउ इसको हम इक्वेट करने की कोशिश करते हैं डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस आयोटा डेल साई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा। देखिए ध्यान से अगर हम देखें तो ये जो है इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा से तो ये जो चीज है दोनों इक्वेट कर सकेंगे हम। तो माइनस आयोटा डेल फाई बाय डेल वाई प्लस आयोटा डेल साई बाय डेल वाई इसको किया और इनमें आपस में मैंने इनको इक्वेट किया इनको कंपेयर किया मेरे पास आया डेल साई डेल साई बाई डेल एक्स और इस तरीके से यहाँ आया डेल फाई बाई डेल एक्स। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन बनी डेल साई बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाई डेल वाई जो कि कॉशी रीमैन इक्वेशन है और चूंकि ये कॉशी रीमैन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है देयरफॉर दिस फंक्शन इज अ एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, नाउ अब ये जो है ये एनालिटिक फंक्शन इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल फंक्शन। ठीक है, पोटेंशियल फंक्शन सॉरी इसको नहीं बोलेंगे ये पोटेंशियल फंक्शन बोलेंगे हम इसके रियल पार्ट को। इसी तरीके से इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम बोलेंगे स्ट्रीम फंक्शन। तो दो दो तरीके के फंक्शन से मिलकर ये बना एनालिटिक फंक्शन, एक तो पोटेंशियल फंक्शन से और एक स्ट्रीम फंक्शन से। और ये जो है इट शोज द पॉसिबल इरोटेशनल फ्लो ऑफ इनविसिड फ्लूइड इन टू डायमेंशनल ये इन टू डायमेंशन राइट। तो इसलिए चूंकि ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एनालिटिक फंक्शन है जो कि पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन के योग से मिलकर बना है इसलिए हम इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑफ द लिक्विड मोशन। इज दैट ओके। नाउ अब देखिए दोबारा से यही इसी फंक्शन की बात कर रहे हैं इसी फंक्शन पे ही हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है इसको मैंने डिफरेंशिएट किया पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू दी एक्स। तो देखिए इधर लेफ्ट हैंड साइड में मैं डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्टली नहीं कर सकता, मैं क्या लिखूंगा डीएफ बाई डीजेड प्लस डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स।
यहां देखिए टोटल डिफरेंशियल लिखा है इस जगह पर मैंने, टोटल डिफरेंशियल इसलिए लिखा है कि f जो है वो सिर्फ z का फंक्शन है, तो डेल f बाय डेल z जो है वो एक्चुअल में इसको मैं df बाय dz भी लिख सकता हूं। तो df बाय dz डेल्टा z बाय डेल x इज इक्वल टू डेल फाइ बाय डेल x प्लस आयोटा डेल साई बाय डेल x। तो चूंकि df बाय dz जो है वो डेल्टा f बाय डेल z है, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली इसको मैंने टोटल डिफरेंशियल के रूप में लिखा बजाय इसके कि मैं इसको पार्शियल डिफरेंशियल के रूप में लिखूं। सिमिलरली डेल z बाय डेल x जो है, चूंकि z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y होता है, इसलिए डेल z बाय डेल x जो है वो बनाया, ठीक है। और इसी तरीके से मुझे ये पता है कि डेल साई बाई डेल एक्स इजिकल टू माइनस डेल फाई बाई डेल वाई, इसको भी मैं काम में लूंगा। फिलहाल यहां पर मेरे पास क्या आया, इससे इससे मेरे पास आया डी जेड डी एफ बाई डी जेड इजिकल टू डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस माइनस आयोटा डेल फाई बाई डेल वाई। क्यों? डेल साई बाई डेल एक्स को मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास फाई के रूप में वैल्यू, ठीक है। ये क्या है? पोटेंशियल, ये पोटेंशियल है, वेलोसिटी पोटेंशियल है, वेलोसिटी पोटेंशियल के रूप में लिखा है। तो इसको मैंने चेंज किया, तो ये इधर आ गया माइनस यू, इधर आ गया वी, यानी डेल फाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस यू और माइनस डेल फाई बाय डेल वाई इज इक्वल टू वी। ये क्लियर कट आ गया यहां पे। ये जो है ये पूरा का पूरा जो है ये कहलाया कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी, ठीक है। इज दैट ओके? ये कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी मेरे पास आ गया। तो क्यू जो है कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी है, उसका मान है, तो उसको मैंने मॉड्यूलस डी एफ बाय डी जेड के रूप में अगर लिखने की मैं चाहूं तो कैसे लिखूंगा? मॉड्यूलस ऑफ डी एफ बाय डी जेड, और इसका मॉड्यूलस निकालना है तो इस चीज का मॉड्यूलस निकालना है, इसका मतलब डेल फाई बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल फाई बाय डेल वाई का होल स्क्वायर का अंडर रूट, इसका मतलब यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टू द पावर हाफ। तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर को मैं अगर मैं चाहूं तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं q स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v मल्टीप्लाइड बाई u माइनस आयोटा v, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के मल्टीप्लीकेशन के रूप में लिख सकता हूं मैं। तो q क्या है? df बाई dz। तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या है? df बार बाई dz, ठीक है। यहां f बार क्या है? f बार इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है कि ये q स्क्वायर जो है उसको मैं इन वेलोसिटी कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी के रूप में लिख सकता हूं, और जहां पर भी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो होने का मतलब क्या हो गया कि फ्लूइड रुक गया, स्टैग्नेशन आ गया, तो स्टैग्नेशन पॉइंट जो है उसके लिए वेलोसिटी जीरो हो जाएगी या df बाय dz भी जीरो हो जाएगा, ये जानने की बात है। चलिए एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, थोड़ा समझते हैं चीज को कैसे किया जाए मैथमेटिकली। नाउ ये एग्जाम्पल है जो हमें कह रही है u की वैल्यू दी हुई है u इज इक्वल टू 2axy और v की वैल्यू दी हुई है a मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये वेलोसिटी कंपोनेंट्स दिए हुए हैं किसी फ्लूइड मोशन के। अब ये फ्लूइड मोशन का है कि नहीं नहीं पता, ये वेलोसिटी कंपोनेंट दिए हुए हैं। अब ये कह रहे हैं कि शो दैट दीज वेलोसिटी कंपोनेंट आर एक्चुअली शोज द पॉसिबल फ्लूइड मोशन। तो ये फ्लूइड मोशन होगा, इसके लिए क्या चीज की आवश्यकता है? बिल्कुल क्लियर कट बात है, हमें जब भी किसी मोशन को फ्लूइड मोशन सिद्ध करना है तो वो हमेशा ही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करेगा, ये हमें ध्यान में रखना है। तो हमने चेक कर लिया भाई डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई इक्वल टू जीरो होता है कि नहीं होता है, तो चेक किया तो जीरो आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब यह है इट एक्चुअली कंस्टिट्यूट अ पॉसिबल फ्लूइड मोशन। नाउ नेक्स्ट थिंग, दूसरी बात क्या कही है? ये कह रहे हैं ऑल्सो डिटरमाइन द स्ट्रीम फंक्शन। तो भैया स्ट्रीम फंक्शन कहां से आता है? स्ट्रीम फंक्शन आता है कि मैं वेलोसिटी कंपोनेंट अलग अलग निकालूं और उससे डेल साई बाई डेल वाई इज इक्वल टू यू और डेल साई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू वी ये लिखूं और उससे मैं निकालूं वैल्यू। तो मेरे पास स्ट्रीम फंक्शन के रूप में वेलोसिटी कंपोनेंट दिए हुए हैं, मेरे पास होते हैं ये मैं जानता हूं। तो u इज इक्वल टू माइनस डेल साई बाई डेल वाई और v इज इक्वल टू डेल साई बाई डेल एक्स, ये मेरे को पता है। चलिए इधर से शुरू करते हैं, u इज इक्वल टू डेल साई बाई डेल, डेल साई बाई डेल वाई शुड बी इक्वल टू माइनस टू ए एक्स वाई। यहां से देख लीजिए u दिया हुआ है ना, तो इज इक्वल टू माइनस टू एक्स वाई। इसी तरीके से डेल साई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू a, ये वैल्यू मेरे को दी हुई है v की, इसलिए मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकता हूं। इस चीज को मैंने इंटीग्रेट किया विद रेस्पेक्ट टू y, क्योंकि यहां y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल दिया हुआ है ना। तो साई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स वाई स्क्वायर प्लस फंक्शन ऑफ x एंड t, बिकॉज आई हैव इंटीग्रेटेड द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू y एंड दिस इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विच डज नॉट हैव y इन इट बीइंग अ कॉन्स्टेंट।
विद रेस्पेक्ट टू दी वाई। नाउ अब आगे मैं चलूं, मैंने क्या किया, इसी चीज को जो मेरे पास आया ये वैल्यू, इसी चीज को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू दी एक्स। मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं ये डेल साई बाय डेल एक्स लाने की कोशिश कर रहा हूं, और उस डेल साई बाय डेल एक्स को मैं इससे कंपेयर करूंगा आपस में इस चीज को, ठीक है। तो मैंने लाया डेल साई बाय डेल एक्स इजिकल टू माइनस ए वाई स्क्वायर प्लस डेल एफ बाई डेल एक्स, ये आ गया मेरे पास। और मैंने इसको कंपेयर किया माइनस ए वाई स्क्वायर प्लस डेल एफ बाई डेल एक्स को, तो इसको राइट हैंड साइड में इसके आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में एक जैसी टर्म वाई स्क्वायर की टर्म एक साथ मैंने कलेक्ट करी, और इसी तरीके से मैंने इधर भी किया, तो वाई स्क्वायर तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कैंसिल हो जाना चाहिए था, ऑफ कोर्स कैंसिल, इट कैंसिल हो गया है, कैंसिल हो गया, और सिर्फ मेरे पास जो बचा वो बचा ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ए इंटू एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मेरे पास बचा डेल एफ बाई डेल एक्स की वैल्यू। तो डेल एफ बाई डेल एक्स से अब मैं इंटीग्रेट इसको कर दूं और फंक्शन ले आऊं, एफ ले आऊं, एफ की वैल्यू क्या होगी, तो इंटीग्रेट जब मैंने किया तो ए स्क्वायर एक्स प्लस वन बाई थ्री एक्स क्यूब, यही आया, ठीक है। और प्लस एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया जो कि टी का फंक्शन है, विच कैन नॉट बी ए फंक्शन ऑफ एक्स बिकॉज आई हैव इंटीग्रेटेड विद रेस्पेक्ट टू दी एक्स ओनली, ये चीज आ गई। तो इस f के मान को जब मैं इस इक्वेशन में रखूंगा तो मेरे पास साई या यू कह लूं कि स्ट्रीम लाइन या स्ट्रीम फंक्शंस की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, इज दैट ओके। तो ये जो है ये हमारा स्ट्रीम कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल और कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी के बारे में एक थोड़ा सा ओवरव्यू था। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं हम इसमें क्या हमको पढ़ना चाहिए, लेट मी चेक, हम देखते हैं या तो हम यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में जानेंगे ताकि हम जो टू डायमेंशनल सोर्स हैं और सिंक हैं और उनकी इमेज हैं, डबलेट हैं, इसके लिए भी हम आगे के लेक्चर्स में इसको जाने, तो उसके लिए पहले एक बार हम यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में अगले लेक्चर में हम देखेंगे। सो अंटिल देन टेक केयर एंड गुड डे ऑल ऑफ यू।